मंदसौर के नारायणगढ़ थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने व्यापारी के लूट करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़ाए आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि कोरोना काल में कर्जा होने और उसे चुकाने के लिए उन्होंने लूट की योजना बनाई थी। देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल मनासा निवासी हुसैनी लोखंडवाला ने रिपोर्ट दर्ज कराई। उनका बेटा ताहिर मनासा आने के लिए निकला मगर घर नहीं पहुंचा, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और उसकी तलाश शुरू की, जिसके बाद ताहिर RLB चौराहे पर मिला। पूछताछ में पता चला कि कुछ युवकों ने उसे रुकवाया और कार में बैठाकर देसी कट्टा अड़ाकर उसका अपहरण कर लिया और काफी दूर ले गए और उसके बैग से 2.5 लाख रुपए सहित अन्य सामान छीनकर भाग निकले। घटना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी और आखिरकार उन्हें पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ में पता चला कि कोरोना काल में बेरोजगार होने और ज्यादा कर्जा होने पर उसे चुकाने के लिए लूट की योजना बना रहे थे। तभी उन्हें इस व्यापारी की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने व्यापारी के साथ इस घटना को अंजाम दिया। ये जून के अंतिम सप्ताह पे की बात है। थाना मल्लारगढ़ में, थाना नारायणगढ़ में एक व्यक्ति की शॉप है। ताहिर नाम का व्यक्ति है, जो कि मनासा का रहने वाला है। वह व्यक्ति जब अपने शॉप से वापस मनासा जा रहा था, तो रास्ते में उसको 2 लोगों ने किडनैप कर लिया। पहले उन्होंने हाथ दे करके लिफ्ट लिया, लिफ्ट लेने के बाद फिर दूसरा व्यक्ति उनको और कहीं और से मिला। इस तरह के 2 व्यक्ति जब हो गए, तो उन्होंने रास्ते में उसको कट्टा दिखा करके जो भी सामान उपलब्ध था, जो भी मशुका था वो, और मोबाइल अन्य चीज़ें सब लगभग 2.5 लाख के आसपास का मशुका उसे लूट करके, और इसी बीच जब पुलिस का प्रेशर पड़ रहा था तो उन्होंने उसको वहीं छोड़ करके चले गए। चूँकि घटना की तत्काल बाद पुलिस को खबर लग गई थी, तो पुलिस ने लगातार अपनी घेराबंदी करना स्टार्ट कर दिया था। और घेराबंदी का असर था कि हमने तत्काल 2 घंटे के अंदर में ही व्यक्ति को सकुशल अपने पास ले आए। सर, किस तरह के लोग हैं ये लोग, क्या पहला इनका बैकग्राउंड किस तरह का है? इसमें एक व्यक्ति जो है उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी है, जफर नाम है इसका। 302 के अपराध में वह गिरफ्तार भी हो चुका है, अभी हमारे यहाँ वांटेड है। इसमें जो चार इसमें जो जानकारी मिली कि यह व्यक्ति एक सीधा सच्चा व्यक्ति है, व्यवसायी है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि उसके लोगों से कोई विरोध करने की स्थिति हो। तो सीधे व्यक्ति को देखकर और पैसे रुपये संपन्न देख करके जो जानकारी मिली, तो उसने उनको किडनैप करने के लिए इनको अपना टारगेट तैयार किया। क्योंकि व्यक्ति मनासा का रहने वाला है, मनासा का ही एक बालक जो कि नाबालिग है, इस अपराध की श्रेणी में भी आ रहा है। वह व्यक्ति ने इनको बताया कि ऐसा एक व्यक्ति है जो कि कुछ इसमें हम इसको किडनैप करें तो उससे पैसे वसूली की जा सकती है, और कुछ इनमें आपस में सूद का भी मामला सामने आया है, जो कि वेचना का में अभी उस बात को सामने लाई जा रही है। तो इस तरीके से उन्होंने जो आरोपी थे शामगढ़ के निवासी हैं, इनके संपर्क में आकर के इस घटना को अंजाम दिया। लॉकडाउन में बेरोजगारी की बात भी सामने आई कि लॉकडाउन में बेरोजगार होने के कारण घटना को अंजाम दिया। देखिए, ये तो कहने की बात कह सकते हैं, क्योंकि ये बात सही है कि लॉकडाउन में काफ़ी अधिक लोगों के व्यवसाय को नुकसान पहुंचा है, जो कि धीरे धीरे अब रिकवर हो रहा है, तो ये घटना हो सकती है, बट ऐसे कोई तथ्य सामने नहीं आए। सर, ये लोग क्या काम करते थे और लूट के पीछे इनका उद्देश्य क्या रहा सर, मतलब क्यों इन्होंने प्लान बनाया? नहीं, मेन लूट का जो पर्पज़ था इनका, तो आर्थिक लाभ था और कम समय में अधिक पैसा प्राप्त करने का तरीका था। और इनका बैकग्राउंड भी कोई सिंपल सा ही बैकग्राउंड है, एक मैकेनिक का काम करता है, दूसरा व्यक्ति शाहरुख जो है उसी की दुकान में काम करता है, इस तरह का इनका बैकग्राउंड है। आपने कहा कार फाइनेंस थी, उसके किस्त पर ये हुआ? हाँ, वो भी बैकग्राउंड है, वो भी मामला है इसमें। बहरहाल देखा जाए तो पुलिस पकड़ाए आरोपियों से पूछताछ कर और भी जानकारी निकाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, मंदसौर।